हेलो एवरीवन, मैं बलवीर शर्मा एक बार फिर से एक नॉर्मल पेंसिल पोर्ट्रेट का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास A3 की शीट है और मैं HB नटराज की पेंसिल है, तो उससे पहले शीट को डिवाइड कर लेते हैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। अब इसके बीच में एक सीधी सेंटर लाइन निकालेंगे और उसके बाद इसके हाफ में, इस शीट के हाफ में ये लाइन मैंने निकाल ली। अब 3 अंगुली लो, ऊपर से उसको एक चिन्ह लगा दो, मतलब छोटा सा। अपने को एक फेस का राउंड सर्किल लेना है और जो बीच की मिडिल लाइन है उसके 2 अंगुली नीचे एक लाइन निकाल लो। अब इसके अंदर अंदर अपने को सिर्फ इस एरिया जो है इसके अंदर अंदर अपने को फेस का एक गोला बनाना है नॉर्मली। तो इसको फिर से वापस हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, एक फेस का जो शेप होता है उस हिसाब से। वैसे मतलब हर इंसान का इस दुनिया में अलग अलग फेस होता, तो किसी का सेम नहीं हो सकता। फिर भी मैं एक बेसिकली मतलब रफ आइडिया जो एकेडमिक स्टाइल में हमारे को बताया जाता है उसमें। अब ये जो राउंड सर्किल बना उसके हाफ में एक लाइन निकाल लीजिए, तो पूरा राउंड हाफ हो गया। यहाँ पर मैं 1/2 लिख रहा हूँ, इसका मीन यही हुआ कि मतलब मैंने पूरे राउंड सर्किल है उसके हाफ में ये लाइन निकाल दी है। और ये होती है आईब्रो की लाइन नॉर्मल। अब वो मिडिल वाली बीच की लाइन है उसको अपने को सेंटर में ध्यान रखना, मतलब वो नोज़ की लाइन आएगी। अब मैंने नीचे नीचे जो इस सर्किल का लास्ट है, जैसे कि वो ठुड्डी का आएगा चिन और ऊपर आईब्रोज लाइन है, इसके बीच में इसका हाफ मैंने किया 1/2, तो ये आएगी नोज़ की लाइन। मैंने उसी मिडिल लाइन के बीच में मैंने एक बार इसमें चिन लगा दिया है। अब जो नोज और चिन है ठुड्डी, उसके बीच में जो बना है मतलब जगह बची है, उसके बीच में एक लाइन निकालते हैं कि लिप्स की लाइन आएगी। ये कभी कभार मिडिल भी आ सकती है और कभी कभार लिप्स के लास्ट लाइन भी आ सकती है, वो फेस पर डिपेंड करता है कि मतलब ये कौन सी लाइन आएगी। तो मतलब मेरा इतना करते से ही एक बार यूँ नॉर्मली लगने लग गया कि ये किसी बंदे का फेस मतलब पोर्ट्रेट करने की ट्राई कर रहे हैं। और ये साइड में मैंने लाइन इसलिए निकाल रहा हूँ कि मतलब मुझे एक आइडिया मिल जाए कि पूरा कम्प्लीट इतना है। अब आईब्रो लाइन और जो हेड की लास्ट लाइन थी उसके बीच में भी मैंने एक लाइन, ये हेयर लाइन है, मतलब यहाँ से ऊपर ऊपर हेयर होने हैं। और ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि मतलब 2 आईब्रो होते हैं या 2 आईज़ होती है, उसके बीच में 1 आईज़ की जगह होती है, और आईब्रो जहाँ से स्टार्ट होता है उसके सीध में मैंने सीधी लाइन निकाली है, मतलब नोज उससे बाहर नहीं जाएगा नॉर्मली। और उसके बाद मैंने देख लिया कि आईब्रो से कितनी नीचे आँखें होती है, उसकी एक मैंने रफ़ लाइन निकाली है। जो मैं जितनी भी अभी ये मार्किंग कर रहा हूँ वो एकदम लाइट में कर रहा हूँ, एक्चुअली आपको दिख रहा है, मैं ये सिर्फ समझाने के तरीके से कर रहा हूँ। मैं इसको वापस इरेजर से रिमूव भी कर दूँगा। तो अब मैंने इसको लिप्स की मिडिल टोन, मिडिल लाइन माना है जो मैंने निकाली थी नोज़ के नीचे, तो इसके ऊपर नीचे एक बार मैंने निशान लगा लिए। अब आईब्रो और नोज़ के बराबर में अपने कान होते ईयर, तो ये भी मैंने एक बार रफली आइडिया में लिया। हम इसको फिर से मिटा लेंगे क्योंकि एक बार मैं रफ ले रहा हूँ साइड में, और ये हेयर किसी इंसान के कैसे भी हो सकते हैं, तो अपन लोग एक बार रफली कुछ भी कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं आइडिया देने का पर्पज़ है मेरा कि मतलब इससे अपने को पता चल जाता है कि कैसे कुछ हुआ। तो ये नॉर्मली एक फेस का मामूली आइडिया सा लग गया अपने को कि हम लोग कैसे कर पाते हैं। अब मैंने आईब्रो का कर लिया। हालांकि जो लड़के होते हैं उनके आईब्रो काफ़ी हद तक कॉमन होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, और लड़कियों के आईब्रो उसका हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही है वो तो अपनी जैसी मर्जी वैसे रख लेती है। और वो भी मैं उस लड़कों के लिए कह रहा हूँ जिनकी मतलब कि जो आईब्रो ये भगवान की दी हुई चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करे उनके लिए। तो मैंने हालांकि नॉर्मली रख लिया एक बार इनको, कैसा भी हो सकता है, तो अपन आईब्रो पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे। ये एक्चुअली एक लड़के का पोर्ट्रेट मैं कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने इसको, मैं एक बार इसमें सीधी लाइन शेडिंग कर रहा हूँ। मैं शेडिंग का भी नेक्स्ट में या अभी कभी एक शेडिंग का वीडियो अपलोड करूँगा जिसके अंदर मैन 6 तरह से शेडिंग होती है, तो हम लोग किस किस तरीके से दे सकते हैं ये सारा का मैं उसमें मेंशन करूँगा। तो अब मैंने आईब्रो का कर लिया। इसके नीचे एक आईज़ की ये बस यूँ ही लाइन निकाली थी कि आप आईब्रो से आईज़ कितनी नीचे हो सकती है, इतना कुछ आइडिया लेके अपन लोग लाइन कर देते हैं। उसके बाद मैंने आईज़ का कराया। वैसे आईज़ के लिए मैंने एक इससे पहले वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें पूरी डिटेलिंग दे रखी, पर मैंने मतलब गलती ये करी थी कि वो जो मैं स्टार्टिंग में नया हूँ तो मेरे को नहीं पता,
और मैंने उन वीडियो को बहुत फास्ट बना दिया, तो आप उसका स्पीड थोड़ा स्लो करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइज़ का कर रखा मैंने, नोज़ का कर रखा, अब लिप्स और ईयर का करना है, तो उसके बाद काफ़ी कुछ वो कम्प्लीटली एक पोर्ट्रेट बनाने का हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने नॉर्मल एक आइज़ बना दी। आइज़ के ऊपर और नीचे एक एक या दो दो वो फेस के अकॉर्डिंग लाइन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो मैंने ये एक्चुअली रफ आइडिया ले लिया है कि यहाँ आएगा, और बीच के अंदर ये जो आइज़ होती है रेटिना, इसके बीच में एक डार्क सर्किल होता है, और उसके बाद पतली पतली लाइनें होती है उस रेटिना के सर्कल के अंदर, और दो छोटे छोटे मतलब वाइट स्पॉट रखने होते हैं, जिसका मीन ये होता है कि जहाँ पे लाइट पड़ती है वहाँ पे दो मामूली छोटे छोटे अपने को कुछ, वो रियलिस्टिक आई करने के लिए होता है। आप अगर एकेडमिक कर रहे हो तो इसको कंप्लीट ब्लैक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। कंप्लीट ब्लैक करने के बजाय थोड़ा थोड़ा दो वाइट स्पॉट छोड़ देने चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने एक रफ आइडिया लेके दोनों आइज़ की, मैं हर चीज़ को एक से दूसरे से कंपेयर करके कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि एक तो साइज़ छोटा बड़ा ना हो, एक चीज़ें ऊपर नीचे ना हो। उसके लिए मैं एक साइड में पहले लाइन निकाल लेता हूँ, इनके सीधे मैंने लाइन निकाल ली थी, तो अब मैंने इसकी सिर्फ रेटिना में अंदर अंदर का डार्क सर्किल करा है। इसके बाद मैं अभी जो बाकी लाइनें हैं वो निकालूंगा। इसकी मेन स्टडी है वो आइज़ की स्टडी, उसमें आपको मिल जाएगी। फिर भी ये मैं पूरे पोर्ट्रेट के हिसाब से फास्ट फास्ट रफली कर रहा हूँ, और ये एकेडमिक स्टाइल का है। इसके बाद मैं शेडिंग का चारकोल भी करूँगा, जो मतलब ज़्यादातर लोगों की यही डिमांड है कि हमें शेडिंग के अंदर बहुत मतलब मस्त पोर्ट्रेट बनाना है, और सबको ये गिफ्ट देना ही होता है पता नहीं क्यों, और मैंने तो इतने बनाए ना। अब आते हैं नोज़ पे, यहाँ मैंने इसको कम्प्लीटली नहीं मिटाया है, मैंने उतनी लाइन को डार्क, अभी ये साइड में आप देख लीजिए, मतलब एक सीधी लाइन निकालनी है, तीन राउंड सर्किल करके उनको ओवरलैप करना है, और उसके बाद उसके बीच के सर्किल उनको छोड़ते हुए साइड को सिर्फ वापस से डार्क करो, और ये आपको नोज़ रेडी हो जाएगा। इसमें हल्की हल्की सेटिंग नोज़ के अकॉर्डिंग दे दीजिए, नोज़ भी हर इंसान के अलग अलग होते हैं, मतलब काफ़ी अलग अलग। एक्चुअली नोज़ और हेयर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप जो पोर्ट्रेट बना रहे हो उसमें शक्ल मिलेगी कि नहीं, ये उस इंसान के नोज़ और हेयर पे डिपेंड करता है, कभी कभार कान पे भी करता है अगर किसी का अजीब हो तो। तो चलो मैंने ये बीच का सर्किल बना लिया एक राउंड, इससे ओवरलोप होते हुए दो साइड में निकालूंगा, वो उस लाइन को मैं ध्यान में रखूंगा जो कि आईब्रो से ज़्यादा बाहर नहीं जाने चाहिए। आईब्रो का लाइन है वहाँ तक ही मैं ले रहा हूँ, उससे थोड़ा बहुत मामूली आता है तो चलता है। इसके बाद दो ओवरलोप कर ली, अब मैंने वो जो ओवरलोप जगह बची है वहाँ पर डार्क सर्किल करूँगा, जो नोज़ में जहाँ पे ज़्यादा डार्क साइड होती है वो कर रहा हूँ। अब ये हो गया, और बाहर के जो सर्किल है उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा डार्क कर दूँगा, और ये जो बीच का सर्किल था उसको मैं फिर से इरेज करूँगा। एक्चुअली मैं वैसे इरेजर इसमें कोई काम लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी मतलब ये जो बीच के डार्क सर्किल ये थोड़े से प्रैक्टिस मांगेंगे, उसके बाद आपको पता चल सके मतलब मुझे कहाँ पे पेंसिल को लाइट करना है। मैं जानबूझकर अभी इसको डार्क कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे वीडियो में साफ से दिख जाए इसलिए। अब आते हैं हम लोग लिप्स की लाइन पे, तो ये हो गया था लिप्स की लाइन है। लिप्स ये जो रेटिना होता है आँख का, इससे एक मैंने सीधी दोनों साइड से दो लाइनें निकाल ली। एक्चुअली लिप्स होते हैं इंसान के, नॉर्मल इंसान के, तो वो इस रेटिना के जो सीध है उससे आगे नहीं जाएंगे, तो मैंने इसको एक आइडिया ले लिया। वैसे ये 45 डिग्री के मतलब एंगल पे काम करते हैं, पर ये एक बहुत डीप हो जाएगा तो मैं वो सब नहीं बताऊंगा। हम लोगों ने तो ऐसे भी करते थे कि मतलब ये इतने डिग्री पे ये है, नोज़ के इतने डिग्री पे ये चलता है, 45 पे 35 पे, रेटिना के 90 डिग्री पे ये इसका लिप्स का मिडिल लाइन होता है ये सब। तो हम लोग नोज़ के ये लिप्स की मैं एक बार फिर से मिडिल लाइन ले रहा हूँ, और तो लिप्स की स्टडी भी मैंने वहाँ एक वीडियो में कर रखी है, आप वहाँ जाके समझोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक्चुअली मैं किस चीज़ को कहाँ सेट कर रहा हूँ सिर्फ वो बता रहा हूँ, और लिप्स भी हर इंसान के हर क्या बहुत इसमें क्या बोलते हैं क्वालिटी मिलेगी आपको लिप्स में, हर किसी के कैसे होते कैसे होते मतलब बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, तो इसके लिए तो बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी लिप्स के लिए। बाकी एक बार नॉर्मली
पोर्ट्रेट एक आइडियल पोर्ट्रेट है। तो लिप्स के लिए मैंने नहीं बताई स्टडी। हाँ मैं अभी करूँगा, मतलब भूल गया मैं, मेरे पास एक्चुअली वीडियो शूट करके रखा हुआ है लिप्स का भी, अब मेरे से अपलोड नहीं हुआ क्योंकि मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा था। तो टाइम क्या मेरा वो नेट का इशू होता है, तो इस वजह से मैं इसको वापस इरेज करके नीचे के लिप्स को थोड़ा छोटा करता हूँ। तो ऐसे करके बी ए हो गया, मैंने वो नीचे कर दिया था, मतलब बी ए कर दो और इस साइड से ये कर दीजिए। इसमें बस यही चीज़ ध्यान रखिए कि दोनों बराबर आ रहे हैं, छोटा बड़ा ना हो बस। और ये लिप्स के जस्ट नीचे हर के साथ जो डार्क होता है ठुड्डी का साइज वहाँ पे, और ये लो मैंने इसको स्माइल देने की थोड़ी कोशिश कर दी है। अगर आप किसी आदमी को हंसाना चाहते हो तो लिप्स के साइड में यूँ थोड़ा राउंड चांद बना दीजिए, उसके राउंड कर दीजिए। तो ये मैंने एक रफ आइडिया ले लिया इसका, लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। अब जो लाइनें पहले से आ रही ना, मैं इस पेपर को कंपोज किया था तो आडी तिरसी लाइनें निकाली, मैं उसको वापस हटा रहा हूँ क्योंकि वो आपको यहाँ से तो नहीं दिख रही है पर मेरे आगे आ रही है। तो उसके बाद हम लोग अभी इसका ये साइड ले रहे हैं, जो कलम उसको कलम बोलते हैं, मतलब जो अगर स्ट्रेट का फेस हो तो ये आंखों के बहुत नज़दीक आएगी और ईयर है वो बहुत छोटे बनेंगे मतलब साइज़ में। फिर भी मैं एक बार आपको बताने के हिसाब से इसको बड़ा कर रहा हूँ ईयर को, और उसके बाद हम लोग इसको वापस से हटा के छोटा कर लेंगे। और ये अभी फ़िलहाल चालू होएगा आईब्रो से लेके ये नोज़ के नीचे तक जो भी है उसके वहाँ तक आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एक लाइन होती है इसके अंदर बरोबर जो राउंड है बाहर से उसके अंदर, और एक अंदर होता है सी टाइप का कुछ, उसका टाइप तो क्या बता पाऊँगा, जो डार्क सर्किल होता है। और कभी भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हो और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है कि सबसे पहले आपके सामने जो भी इंसान है उसको देख लीजिए, कोई भी इंसान बैठा तो आपको सब आइडिया मिल जाएगा कि इसकी आँखें कहाँ हैं, इसका नोज़ कहाँ है, इसकी आँखों से कितनी दूरी पे है। मैं हमेशा कोई भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ तो एक दूसरे से कंपेयर करता जाता हूँ कि नोज़ और आई जिसकी यहाँ आ रही है, इसके साइड में ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इसके इतनी, मतलब जो स्पेस हेयर और आईज़ के बीच में है वो यहाँ आएगा। अब मैंने इसका एक रफ फेस बनाया है, हालांकि मैं बहुत एक गोलू मोलू लड़के का फेस ड्रॉ करना चाह रहा था, एक्चुअली होएगा भी वही। और फेस आप लंबे पतले छोटे कैसे भी हो सकते हैं, वो फेस पे डिपेंड करता है एक्चुअली। ये तो एक आइडियल फेस है मेरा और मैं हेयर भी ऐसे ही बना रहा हूँ तो ये भी कैसे ही हो सकते हैं। और अभी एक्चुअली क्वारंटाइन टाइम में तो ये लॉकडाउन की वजह से हेयर बड़े ही करने चाहिए मुझे, तो मैं थोड़े इसके बड़े ही करूँगा। तो अब इसको हम लोग इस तरीके से कर दिया हेयर को, और ये मैंने एक वापस से ईयर का आइडिया लिया है। इस इधर वाला ईयर थोड़ा छोटा बनाना है बिकॉज वो वाला मैंने साइड दिखाने के लिए बड़ा करा था, वो एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होएगा तो उसको हम लोग वापस इरेज करके छोटा भी करेंगे। अभी इधर वाला करते हैं, वो छोटा करेंगे। और बंदे का फेस अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो तो ईयर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि ये आपको कितना दिखता है। और थोड़ा सा अगर 5-10% भी ये इधर उधर हो जाए फेस तो वो एक ईयर तो दिखना ही बंद हो जाता है, तो आप उस पर ज़्यादा वो मत दीजिए। फिर भी मैं फिर भी बड़े कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ दिखे ऐसे। एक्चुअली मैं पतली सी लाइन निकाल दूँगा तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। हम इसको वापस से ईयर को एक को उधर वाला थोड़ा बड़ा हो रखा तो उसको चेंज करेंगे, एक्चुअली हमने जानबूझ कर रखा है। तो ये गोलमोल लड़के का मतलब फेस नीचे से तो हो गया। अब रहा है मतलब ये जो गर्दन की लाइन है इसके लिए बहुत दिक्कत आती है कभी कभार, तो पहले इसके हेयर कर लेते हैं हम लोग। तो हेयर आप आराम से कर सकते हैं, जो मैंने वो बाहर का राउंड सर्किल था मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने बार बार उसको ही फॉलो किया है और जो शेप है सिर्फ वो दिए हेयर के, तो ऐसे में हो सकता है। अब रहा जो आईब्रो के लास्ट लाइन है, यहाँ से अपन लोग सीधा ले लेंगे गर्दन की लाइन। अगर सामने फ्रंट का फेस है तो जो आईब्रो की लास्ट लाइन थी वहाँ से मैंने गर्दन की लाइन ले ली है, इधर भी आईब्रो की लास्ट थी वहाँ से ले ली है। अब ये जो नोज़ और ठुड्डी के बीच में जगह है या फिर लिप्स और ठुड्डी के बीच में जगह है तो उसको हम लोग
यहाँ पर एक इसका क्या बोलते हैं, मतलब ब्लॉक बना के इस जगह को एक आइडियल ले सकते हैं। अगर टी शर्ट पहन के बंदा रखता है तो उसके यहाँ पर इतनी या कभी कभार टी शर्ट का गला बड़ा हो तो थोड़ा और बड़ा हो सकता है। तो एक्चुअली मैंने इस हिसाब से ही मैं लेता हूँ, मतलब लिप्स के मिडिल लाइन या वो बंदे पे मतलब डिपेंड करता है। किसी की गर्दनें भी लंबी होती है, किसी की होती भी नहीं है। तो और ये मैं जो भी है मतलब एकदम नॉर्मल पेंसिल से कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ लोगों का ये होता है कि अभी हमारे पास मतलब ये लॉकडाउन चल रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास अच्छी पेंसिलें नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे। आपके पास बहुत अच्छी पेंसिल है, तो मेरा वो नहीं है, मैं एक बार नॉर्मल पेंसिल से ही कर रहा हूँ। ये एक्चुअली नटराज की पेंसिल है और इसको आपको मेरे हिसाब से छील के बहुत रखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत डिपेंड करता है। अगर पेंसिल कम सीली हुई हो या मोटी हो गई हो तो इतनी शार्प लाइन, मतलब लाइन में फोर्स नहीं आ पाता, और फोर्स नहीं आ पाता वो जिगजैग में पूरी लाइन हो तो फिर देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो इस वजह से आप अगर फोर्स तो मैन होता। और अभी मैं इसमें पूरी लाइन सेटिंग करूँगा और एक बार रफली करूँगा, लास्ट तक मैं इसका कर भी दूँगा। ये बराबर मैं इसको लाइन को रिपीट कर रहा हूँ एक दूसरे के ऊपर, ओवर लूप मान लो आप, थोड़ा बहुत ओवर लूप हो रहा है। और ये सेटिंग का है, नॉर्मल सेट का मतलब लाइन सेटिंग का। मैं सेटिंग के टाइप भी बता दूंगा। और क्या है कि अब लोगों को ये पसंद नहीं आता, मतलब कि यार क्या ये लाइनें निकाल दी, पर ये एकेडमिक तरीके से जो आर्टिस्ट लोग करते हैं उनका कंप्लीट करने का प्रोसेस यही रहता है। अगर आप पेंटर की तरह काम करना चाहते हो तो आप इसमें इसको रब कर सकते हो, ग्राइंडर से मिक्स कर सकते हो, पर उसमें फिर वो पेंटर का थोड़ा रहेगा इफेक्ट। तो इस वजह से मैं आर्टिस्टिक तरीके से ये पूरा कम्प्लीटली एकेडमिक स्टाइल है। मतलब हम लोग एकेडमिक अगर कॉलेज जाके सीखते हैं तो वहाँ पर किस प्रोसेस से सिखाते हैं, मैं वो सब रूल फॉलो करके यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी चीज़ मैंने थोड़ा इसके जो हेयर है इनको मैंने बराबर एक लाइन निकाल के चेक कर लिया था कि मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस हिसाब से पता नहीं आज वीडियो कुछ मेरा लंबा ही होता जा रहा था धीमे धीमे। इसमें सब तरह के आगे भी सारे वीडियो डालूंगा। तो आप मतलब अगर इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ आप हो मैं हो कोई भी हो, सिंपल सी बात है। जो प्रैक्टिस करेगा वो सीखेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नहीं सीख पाएगा। कोई कहता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, तो भाई साहब कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं हूँ, मेरा मान लीजिए, अगर मैंने कंटिन्यू 15 या 20 दिन कुछ भी नहीं किया तो मेरा भी गया, मेरे भी लाइन में फ़र्क आ जाएगा। मुझे पता चल जाएगा भाई मैंने 15 दिन कंटिन्यू काम नहीं करा है, मैंने 15 दिन में कोई स्केच की प्रैक्टिस नहीं करी है, मेरी लाइनें फ्लॉ टूट जाएगा। तो ये है, इसमें आप कंटिन्यूटी रखिए, कोई बात नहीं। इसमें अगर आप एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो आपको नॉर्मली 5 मिनट लगते हैं, और एक दिन में 5 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग पूरे दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हैं तो 5 मिनट आप मेरे वीडियो के साथ चला सकते हो, कुछ भी ऐसे ही आप नॉर्मली रफ आइडिया लेके चला सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, मतलब कि आपके पास टाइम नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप नहीं करते हो तो ये एक अलग बात है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपका अगर हॉबी है या इंटरेस्ट है थोड़ी बहुत भी, या ना है तो भी आप किसी के लिए घुस करना चाहते, किसी के लिए आप अगर पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हो तो रेगुलर एक पोर्ट्रेट एक दिन में ड्रॉ कर ही दीजिए। कुछ भी कीजिए, किसी का भी कीजिए, गंदा कीजिए, कार्टून कीजिए, जो मर्जी करो, पर डे का एक पोर्ट्रेट ड्रॉ ज़रूर करो। पोर्ट्रेट कर लो, कुछ भी बना लो, मतलब दिन में कुल मिला के 5 मिनट आपको पेंसिल चलानी है, वो भी कुछ स्केच के हिसाब से, वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरा ये मतलब फेस तो बन गया है, मैं अब इसमें थोड़ा बहुत सेटिंग का बता देता हूँ। जो रेटिना थी उसको सबसे पहले मैंने ब्लैक किया, और वो भी लाइन से। एक्चुअली इसकी डिटेलिंग तो आपको उस वीडियो में मिलेगी कि रेटिना, आईब्रो, ये सारा कुछ कैसे बनता है। इसमें मैं एक बार रफली बना रहा हूँ, हालांकि ये इसमें रियलिस्टिक आईज का नहीं है, मैं इसमें कुछ भी रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने ईयर के अंदर जहाँ जहाँ डार्क साइड थी उसको कर दिया। अब मैं सीधी लाइन सेटिंग है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सीधी लाइनें निकालूंगा एक दूसरे से ओवरलोप करती हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब इतना नहीं दिख रहा, पता नहीं मेरा लाइट है।
और एक बार बाहर आती है लाइन में तो आने दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कुछ सिर्फ एकेडमी के स्टाइल से कर रहे हैं तो अपने को। और अभी मैं एक और पोर्ट्रेट का वीडियो करूँगा चार कोल का, जिसमें हम लोग मतलब कॉमर्शियल करेंगे, क्योंकि मैं तो एक्चुअली एकेडमी सिखाना चाहता हूँ, पर ये एक लंबी प्रोसेस है, और जो कॉमर्शियल करते हैं वो एक शॉर्ट प्रोसेस है, और लोगों को पसंद भी वो ज़्यादा आता है बिकॉज वो दिखने में सुंदर होता है। पर बोलते हैं ना कि जो चीज़ सुंदर दिखती है वो हमेशा वैल्यूबल नहीं होती, तो वो बात है। ये मतलब इसको ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, पर जैसे भी आपको समझो, मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, तो आपको जैसे समझ आता है वैसे चलेगा मेरे। तो हम लोग इसको, मैंने एक बार जो रफली जहाँ पे मैंने इसकी फर्स्ट लेयर करी है, मैं इसको डार्क करते जाऊँगा, काफ़ी डार्क करूँगा, इसकी वजह से मतलब आपको लगने लग जाए कि हाँ भाई यहाँ पे जो शेडिंग दे रखी है और इसके एक साइड से लाइट आ रही है, या लाइट और शेड का वही होता है कि मतलब जिस साइड से आपको रोशनी मिल रही है उस साइड में उसका सारा एरिया लाइट रहेगा, और जिस साइड रोशनी नहीं मिल रही है वो सारा फेस डार्क होगा। तो मैं नोज़ के दोनों साइड करूँगा, क्योंकि नोज़ आप बाहर निकला हुआ था, और इसकी जो इसको ऊपर से उठा हुआ दिखाने के लिए मुझे दोनों साइड से इसको दबाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, लाइट शेड का भी ये सेटिंग का ये रूल है कि जो एरिया दबा हुआ है अपने फेस के अंदर, जो एरिया अंदर की तरफ दबा हुआ है, उसको हम लोगों को डार्क करते जाना है, और जो एरिया बाहर की और निकला हुआ, जैसे कि हमारा नोज है उसका पूरा ऊपर का हिस्सा, हमारे चिक्स और ऊपर का जो भी है, और लिप्स भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, और आप अपने फेस पे ध्यान दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कहाँ से दबा हुआ है और कहाँ से बाहर निकला हुआ है। तो जहाँ पे दबा हुआ मैं वहाँ पे इसकी शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसमें लाइन शेडिंग और थोड़ी बहुत हैचिंग भी करूँगा। हैचिंग या क्रॉस हैचिंग वो सेम होती है, जिसके अंदर मतलब एक बार लाइन को करके फिर उसके 5 डिग्री, उसके सिमिलर 5 डिग्री उससे अलग अपने को उसको ओवरलुक करते हुए लाइन करना, तो वो हो जाती है क्रॉस हैचिंग। तो जिसके चिक्स बहुत ज़्यादा मोटे हो उसके ये नोज के पास लाइन ज़्यादा गहरी होगी, जिसके छोटे छोटे जैसे ये तो ऐसे बंदा बोल रहा है, तो मैं इसको ठीक ठाक। अभी मैं लिप्स को कर रहा हूँ, ऊपर के लिप्स ज़्यादा डार्क होते हैं उसके नीचे वाले लिप्स के कंपेयर में, ऊपर के लिप्स ज़्यादा डार्क होते हैं, तो मैंने इनको डार्क कर दिया, और इनको सिर्फ लाइट शेड कर रहा हूँ, मतलब वो ही सारा मैंने कर दिया। और लिप्स के नीचे का जो लाइन है मतलब ये पार्ट जो दबा हुआ होता है उसको मैं सही कर देता हूँ, उसको एक्चुअली प्रॉपर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और ये जो लिप्स जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे इसको थोड़ा यूं कर देता हूँ, मतलब इसको थोड़ा दबा देते हैं, एक्चुअली दबा हुआ ही होता है क्योंकि लिप्स बाहर निकले हुए और वहाँ से वो मिक्स हो रहा है, तो इसलिए उसको आपस में सेटल करवाना अपने को, ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा और शेडिंग करते हैं, और साथ में जो गर्दन है उसकी भी शेडिंग करते हैं। एक्चुअली आपको ये पूरा फॉर्मेट है इसको फॉलो करना है, इसके बेस पे अगर आप किसी का भी स्केच बनाना चाहते हो तो उसकी आईज, उसके नाक, उसके लिप्स, उसके ईयर, वो सब उस पर टेस्ट कर दीजिए, जो आपने एक फॉर्मेट बना के रखा है उस पर टेस्ट कर दीजिए, तो वो सब उसको आप इजीली सारे प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, और कोशिश करना है कि जो आपके पास फोटो है आप जिनका बनाना चाह रहे हो हम लोग उसको इस पर अप्लाई करें, तो इससे क्या होगा कि आपका एनाटॉमी है वो फेस की एनाटॉमी वो आउट नहीं होगी, मतलब ये चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए वो वहीं पे रहेगी। अगर आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो भी वो प्रैक्टिस में 8-10 पोर्ट्रेट ख़राब करोगे, रेडी होने लग जाए आप कंटिन्यू 15 पोर्ट्रेट बनाए इस प्रोसेस को फॉलो करके, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 15वां पोर्ट्रेट सही बनेगा, मतलब उसका 60-65% शक्ल आ जाएगा। और एक बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग अगर स्केचिंग कर रहे हैं तो वो स्केच है, कभी भी वो फोटो नहीं बन सकता। एक तो ये बरम हटा दीजिए, कितना भी रियलिस्टिक कर लीजिए, वो फोटो होता है वो स्केच होता है, तो उसका फ़र्क तो आप रहने ही दीजिए, और वो सबसे सही होता है।
और सेकंड, अगर आप एकेडमिक कर रहे हो तो उसके अंदर तो ये नहीं होता बंदे का, मतलब अगर हम लोग एकेडमिक कर रहे हैं तो उसके अंदर उसका मैन ये इतना है कि उसका 85% के करीब आ जाता है फेस का, और पहचानने में हो जाता है कि ये इस बंदे का फेस है, बस इतना ही होता है। बट मैं इसको वापस फिर से दोबारा कर रहा हूँ, और ये अभी मैं क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ क्योंकि पहले की लाइनें मैंने थोड़ी तिरसी निकाली थी, और अब इसको वापस एक दूसरे पर ओवरलूप कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्रॉस हैचिंग बोल सकते हैं। और बंदे का जो एक्चुअली ऐसे कर सकते हैं, जो फेस का सेप है उसके अकॉर्डिंग भी लाइन को ले सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली कैमरे को पहले स्टैंड पे सेट कर लिया था, तो अब मैं उसको ज़्यादा जूम पे नहीं ले पा रहा हूँ, एक्चुअली लेता तो और बढ़िया होता, मतलब तो कुछ और इंटरेस्टिंग होता था। आई नो बट अभी भी ठीक है, कुल मिला के समझ आ रहा है, मतलब आप इसको फॉलो कर सकते हो प्रोसेस को। अगर फिर भी मेरी स्पीड ज़्यादा है तो एक्चुअली मैंने अभी इसको बिल्कुल भी नॉर्मल स्पीड में बनाया है, पहले की वीडियो मैंने थोड़ी स्पीड में बना दिए थे तो सब ने मुझे बोला कि मतलब हम सिर्फ आपकी वीडियो देख सकते हैं, उसमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। तो फिर मैंने इसको वापस से मैंने इसको स्लो किया, मतलब नॉर्मल जो भी स्लो नहीं किया है, और जो भी वीडियो की नॉर्मल स्पीड होती है, रियल जो कर रहा हूँ वही स्पीड है इसमें। तो अभी ऑलमोस्ट हो गया अपना, तो ये जो बार की है इसकी टी शर्ट का किनारा, इसको हम लोग ऐसे जिगजैग से कुछ भी कर दें, मतलब ये आपको थोड़े दिन बाद आइडिया लग जाएगा और आपके जिगजैग में भी इस लाइन से बाहर नहीं निकलेगा, ये सब हाथों को प्रैक्टिस हो जाएगी, खुशी होगा, मतलब बहुत सही हो जाएगा। ऐसे करके मेरा ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट, आप इसको फॉलो करें और इसके अकॉर्डिंग ही मेरे कहने से एक बार आप पंडा पोर्ट्रेट बना के देखिए, और उसके बाद आप देखिए सोलवे पोर्ट्रेट में, आपको अपने आप लगेगा कि मतलब लगेगा नहीं आपको कि ये मैंने किया है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मेरे को मतलब कुछ भी नहीं आता, जो भी स्टार्ट करता उसे ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं आता, और कुछ होते हैं भाई यानी जिनको आता है बहुत कुछ पहले से, वो उनके लिए बहुत मतलब मैं तो बेस्ट मानता हूँ। तो ये ऐसे ही मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ हेयर को डार्क करना और कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने को सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ भाई ऐसे ऐसे होता है। और ये लीजिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह जुड़े रहिए, मैं आगे भी पोर्ट्रेट के, वाटर कलर, लैंडस्केप के और सारे वीडियो डालता रहूँगा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे